सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी। हेलो जी, माय नेम इज सनमीत सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पंजाबी रील टीवी। सो गाइज, अज की जिहड़ी वीडियो हैगी है वो बड़ी खास होने वाली है यार, क्योंकि अज की जिहड़ी वीडियो दे विच आपां एक शख्स बारे इनफॉर्मेशन लवांगे। इन्हां नूं मैं कदे देखिया नहीं, मैं कदे इन्हां दा नाम नहीं सुनिया सी, मैं पहली बारी नाम सुनिया किसी सबसक्राइबर ने आपां नूं इस वीडियो ते रिएक्शन बनाउण लई कहा। तो इन्हां दा नाम हैगा मोइन अख्तर, ठीक है जी। सो टाइटल हैगा लेजेंड एक्टर मोइन अख्तर एक्सक्लूसिव स्टोरी। सो ये देखते हैं कि कौन ने, तो ये मेरे ख्याल कॉमेडियन ने शायद, तो उस तो बाद देखते हैं भी इन्हां दी जिहड़ी जर्नी रही है वो किद्दां रही है, तो किद्दां बाकियां दे लई मोटीवेट कर रहे हैं बाकियां नूं, तो बाकी जो भी गलबात आप वीडियो दे विच देखांगे ध्यान ते इहदे बारे गल्लां बातां करदे हां। सो जिहड़े गाइज नवे आ गए अपने चैनल पर, उन्हां नूं दस देना चाहुंदे हां कि असीं इस चैनल पर करदे हां रिएक्शनस, वो हुंदे आ सब तरह के। सो बिना झिझक तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर सकदे हां। सो डू सबसक्राइब नाउ गाइज, हुणे सबसक्राइब करो यार प्लीज़, तो सपोर्ट दिखाओ अपनी, डू सबसक्राइब। सो वीडियो करदे शुरू, लेट गेट स्टार्टेड। निकालो 2 करोड़ रुपये नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे। कॉमेडियन ही नहीं, सोचा कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बगैर खोपड़ी के भी जिंदा है। 2 करोड़ के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं है। मैंने उसको बोला गोली चला दे। सही, मोइन अख्तर डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो ऐसा फनकार मेरे ख्याल से तो पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको कम से कम 40 बरस लगे सारी मशक्कत करने के, और अल्लाह ताला अगर नवाज दे। मोइन अख्तर पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में नुमाया हीरे की हैसियत रखते हैं। वो बेमिसाल अदाकार गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सरहद पार मुल्क भारत समेत पूरी दुनिया में नाम कमाया। मोइन अख्तर 1950 को कराची में पैदा हुए। मोइन अख्तर की पैदाइश के चंद महीने बाद ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मोइन अख्तर बचपन से ही मुआशी मसाइल का सामना करते रहे। वो स्कूल में इंतहाई ज़हीन तालिबे इल्म थे, मगर मुआशी मसाइल की वजह से उन्हें तालीम छोड़ना पड़ी। उन्होंने पहली दफ़ा 13 साल की उम्र में शेक्सपियर के ड्रामे दी मर्चेंट ऑफ वेनिस के करेक्टर शाइलॉक के किरदार को निभाया। मोइन अख्तर स्कूल छोड़कर थिएटर की इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए। हकीकत में मोइन अख्तर को शोबिस की दुनिया से लगाव न था और न ही उन्हें ये अंदाज़ा था कि वो एक अदाकार बन सकते हैं। वो तो सिर्फ मुआश के लिए इस इंडस्ट्री में आए थे, मगर थिएटर में काम करने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो दुनिया में इसी काम के लिए आए हैं और उनके अंदर एक अजीम अदाकार छुपा हुआ है। असल में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक बहुत बड़े एक्टर तो थे ही, बहुत बड़े इंसान भी थे। वो हजारों लाखों का मजमा कंट्रोल कर लेते थे और उनकी गुफ्तगू में इतनी शाइस्तगी होती थी। अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते थे, उर्दू वहां अच्छी बोलते थे, और उन्हें तरीका आता था, जादूगर थे वो लोगों को अपनी तरफ रुझू करने के लिए, और जो कहना चाहते थे वो। अच्छा, काफी इंडियन सेलिब्रिटीज के नाल भी इन्हें फोटोज आ रही हैं। वो पहली बार 1986 माल है यार, इन्हें कभी आप देखे ही नहीं। जब मोइन अख्तर स्टेज पर आए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन पर फिक्रे कसने शुरू कर दिए, मगर जब मोइन अख्तर ने बोलना शुरू किया तो 2 घंटे तक लोग सुनते रहे। इस वक्त मेरे पास थरपारकर जिला नंबर 1 के नतीजे मौसूल हो चुके हैं। इत्तेदा ही सेलिब्रिटी मोइन अख्तर का खासा रही। मोइन अख्तर ने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर टेलीविजन पर करियर का आगाज किया। मोइन अख्तर कॉमेडियन के लिए सूट का तसव्वुर लेकर आए, उनसे पहले कॉमेडियन सूट नहीं पहनते थे। मोइन अख्तर को ड्रामा सीरियल रोज़ी से मुल्क गीर शोहरत हासिल हुई। इस ड्रामे में उन्होंने एक औरत का किरदार अदा किया जिसे उन्होंने हैरत अंगेज तरीके से निभाया। गोया उनका ये करैक्टर उनके बड़े अदाकार होने की पहली सनद साबित हुआ। अनवर मकसूद के साथ टीवी पर उनकी जोड़ी को खासी शोहरत हासिल हुई। उन्होंने अनवर मकसूद के साथ टीवी शो लूज टॉक के 800 से ज्यादा प्रोग्राम्स किए। उन्होंने हर दफा एक नई शख्सियत का रूप धारा। उस जैसा शो आज तक पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। मोइन अख्तर ने फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 3 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और ये साबित किया कि वो तीनों मीडियम के अदाकार हैं। ये जी मीडियम ये सारे अच्छे हैं। हमने उनके साथ थिएटर भी किया है, हमने उनके साथ टेलीविजन भी किया, हमने उन फिल्म नहीं की मैंने उनके साथ, उन्होंने भी बहुत कम फिल्में की, रेडियो भी करते रहे वो, लेकिन मीडियम सब बेहतरीन है। लेकिन टेलीविजन से उनको जो शोहरत मिली, टेलीविजन पे जो उन्होंने काम किया, जैसे लूज टॉक जो सब जानते हैं, 700 800
से ज्यादा प्रोग्राम किए और सारे डिफरेंट उसमें उन्होंने किरदार अदा किए और बेहतरीन किए, तो ऐसा बहुत कम एक्टर कर सकते हैं। और इस दलील सब आपके सामने है जिन्होंने हमारे नाजरी यार है। सबसे मशहूर मीडिया उससे मेरा ताल्लुक भी है, साला साल से मुझे तो टेलीविजन और उनका काम बहुत ही अच्छा। मोइन अख्तर को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने जियाउल हक, जनरल अयूब खान, साबिक सदर गुलाम इसहाक खान, जॉर्डन के किंग हुसैन, साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और लेजेंडरी इंडियन अदाकार दलीप कुमार के सामने उनकी मिमिक्री की। मोइन अख्तर ने इंडिया में भी खूब नाम कमाया और कामयाबियों के झंडे गाढ़े। आज के मशहूर इंडियन कॉमेडियन जॉनी लीवर मोइन अख्तर को अपना उस्ताद मानते हैं और कई दफा उसका बरमिला इजहार भी कर चुके हैं। मोइन अख्तर को ये भी एजाज हासिल है कि उन्होंने इंडियन फिल्म एक्टर दलीप कुमार, अदाकारा माधुरी दीक्षित, गुलकारा लता मंगेशकर समेत कई इंडियन फनकारों के शो की मेजबानी की। जाती जिंदगी में मोइन अख्तर इंतहाई मिलनसार और आजीज इंसान थे। वो खुश शक्ल होने के साथ साथ मदद करने वाले और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। इंसान वो बहुत बड़े इंसान थे। वो अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स एक्टर्स जितने भी थे सबका ख्याल रखते थे। उनमें खासियत ये थी कि अगर कोई उनको फंक्शन मिला है जिसमें वो सोलो परफॉर्मर होते थे और स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, तो तीन जरूरतमंद फनकारों को, जो छोटे फनकार जिनको कोई पूछता नहीं, अपने साथ ले जाते थे और उसको ऑर्गेनाइजर को कहते थे कि भाई ये मेरे साथ है, मैं तो इतने पैसे ले रहा हूँ, इनको इतने इतने पैसे देने हैं, और वो मजबूरन देते थे। मोइन अख्तर ने फिर उनसे कहते थे कि जी सॉरी मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आता। तो ये कितनी बड़ी बात है, ऐसे इंसान थे वो। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, बहुत से सीनियर फनकारों को सपोर्ट करते थे, बहुत से जो उस तहकीन है जो बेचारे बीमार है उनकी बहुत कुछ करते थे वो। मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो फलाही काम बहुत ज्यादा करते थे और उनका किसी को पता भी नहीं चलता था कि किसके लिए क्या करते हैं, दूसरों की खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। और उन्होंने जो शोज किए हैं वो भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया उनसे। मोइन अख्तर की जिंदगी में मजहब का पहलू नुमाया नजर आता है। वो उलमा के करीब रहे, उन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ा और कई दीनी उलूम पर दस्तरस रखते थे। मजहबी तो वो शुरू से थे क्योंकि वो एक अच्छे सच्चे मुसलमान थे, तो जरूरतमंद की और गरीबों की उनके दिल में थी, ये तो तय है। शायद पता लोगों को चला था अब कि वो बहुत ज्यादा मजहब के करीब, मजहब के करीब सब होते हैं लेकिन शायद लोगों को पता नहीं होता, और ये डायरेक्ट अल्लाह से होता है, ये लोगों को पता चलाने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ डेफिनेटली ये गल बहुत सही कही है इन्होंने। किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन मैं बाकायदा मौजूद था और मदद से लगाव उनका बहुत था, और वो जो आलमी दीन थे उनकी बड़ी कदर करते थे, उनसे मिलते भी थे, और उन्होंने अपने घर में ऊपर छत पे एक बड़ी ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी बनाई हुई थी जहाँ मैंने भी नमाज पढ़ी है। वो तो जाहिर है उनका तो घर ही था, वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अच्छी सी जगह बनाई हुई थी, उसको बहुत ही अच्छी तरह वहां बैठ कर नमाज पढ़ के बड़ा लुत्फ आता। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को हरकते कल्ब बंद होने की वजह से दुनिया फानी से कूच कर गए। उनके बेमिसाल काम की वजह से दुनिया आज भी उन्हें याद करती है और याद करती रहेगी। लेकिन उनका साथ नहीं दिया कि तो आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तक मैं रात को कभी कभी उनके प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। हर भाई का लूज टॉक है, हर भाई मखसूस के साथ प्रोग्राम है, उनके जो शोज है वो जितने देख के मैं महसूस होता हूँ बता नहीं सकता हूँ। फिर शोज के अलावा एंकर पर्सन जो थे वो तो थे, इसके अलावा और अगर हम हर चीज को मुख्तसर करें और चंद अल्फाज में बयान करें तो मैं ये कहूँगा कि मुझे जैसा आर्टिस्ट अभी तक हमारे पास है,
फायदा ही नहीं हुआ अभी। क्या बात है यार, क्या बात। लेकिन मैं तो भी मैंने देखा किसी ने क्या बात है। थे जोकर दा एक किरदार अदा कर रहे हैं यार, क्या बात है। मैं कि इद्दां दी कोई डॉक्यूमेंट्री कोई बायोग्राफी नहीं देखी जिदे विच दो लोग इन्नी ज़्यादा मतलब हमायत कर रहे हैं ते इन्नी ज़्यादा उन्हां दी तारीफ कर रहे हैं। सो जेकर वो कर रहे हैं ते इदा मतलब वाकई इंसान वो बड़े खूब ने ते बड़ा उन्हां दे विच एक टैलेंट सीगा। जिदा कि क्योंकि ये 2011 इस दुनिया तो चले गए तो उस तो पहला भी आप छोटे होंगे सी उदों है ना, तो मतलब आपां मौका नहीं मिले उन्होंने सुनने का। शायद इस करके जी मतलब मेरे मेरी उम्र तक के बंदे है उन्होंने नहीं पता होना इन्ह बारे शायद ज़्यादा, बट जो अपने फादर साहब आ उन्होंने एज की गल करिए शायद उन्होंने इन्ह बारे पता होगा है ना, क्योंकि लीजेंड ने यह जिदा कि दस रहे हैं है ना। तो इन्ह दियाँ आप काफ़ी सारिया फोटोज़ भी देखी हैं, बॉलीवुड आर्टिस्ट बॉलीवुड हीरोज़ के नाल भी है, प्रोड्यूसर्स के नाल है, फिल्म मेकर्स के नाल। उस तो बाद जो पाकिस्तान का सब तो घेंट शो लूज टॉक जिदे कह रहे कि 700-800 एपीसोड्स किए इन्होंने, गाइज 700-800 एपीसोड्स कोई छोटी गल नहीं होंगी यार, बहुत वड्डी गल। तो जिदा इन्होंने कहा कि वह वक्रे वक्रे किरदार अदा किए इन्होंने, वक्रे वक्रे मतलब इन्होंने जो करैक्टर्स प्ले किए आ, तो यार वाकई काबिले तारीफ गल है यार। मैनू तो इन्हों हूँ देखना पैना, मैं इस वीडियो तो बाद इन्हों सर्च कर लगा यूट्यूब पर, तो इन्हों सारिया वीडियोज़ देखने वाला, बिकॉज एक दो झलकियाँ देखिया आप वाकई इन्हों की जी कॉमेडी है वह मैं अच्छी लगी है, तो बाकी सारिया वीडियोज़ देखनिया पैनिया यार, कमाल ने वाकई, मज़ा आ गया सुन के इन बारे। तो हम देखते हैं कि जिहड़ी इन्हां दियां वीडियोज़ आ वो आपां नूं कितना कसौंदियां, पर मैनू वीडियो आ वाली वीडियो देख के तो लग रहा कि यार बहुत मज़ा आएगा वीडियो इन्हां दियां देख के। सो तुसीं जे चाहुंदे आ कि आप इन्हां दी वीडियोज़ ते रिएक्शन बनाईए तां नीचे वो भी मैनू दस्सिओ, क्योंकि मैं तो एक्साइटिड हाँ हुण, बिकॉज मैं देखना चाहुंदा सुनना चाहुंदा, जिद्दां यार कोई नवीं चीज़ां बारे पता लगता दैन आपां नूं हुंदा ना अंदरों कि आपां देखीए। सो लाइक जिवें लगता है कि पाकिस्तान ते इंडिया दे सांझे एक्टर सीगे इह, इंडिया दे लोग भी कह रहे इन्हां नूं बहुत पसंद करते सी है ना, पसंद करते ने। तो जिहड़े हुण इन्हां दे फ्रेंड है जिन्हां ने दो फ्रेंड है इन्हां ने आपां नूं गल्लबात दसी सारी है ना, तो वह कह रहे भी मैं हुण भी रात नूं कई वारी इन्हां दियां जिहड़ियां वीडियोज़ देख के सौंदा। क्या बात है यार गाइज, वाकई मतलब दुनिया ते आओ ना तो यार कुछ करके जाओ इदां दा वी जिहड़ी दुनिया तुहानूं याद रखे है ना, खास करके दुनिया नहीं तो जो थोड़े नाल दे आसे पासे दे यार वो तो घट्टो घट तुहानू याद रखन कि हाँ भी मेरा एक दोस्त सी, मेरा कोई भरा सी कोई इदां दा भी जिहड़ा जिहदियां खूबियां उहदे विच इन्नियां सी। देखो उन्होंने एक बड़ी वधिया गल कही कि दिखाउणा नहीं हुंदा कि तुसी रिलीजियस हो, मतलब तुसी आपदे खुदा दे अल्लाह दे नेड़े हो, ये दिखाउणा नहीं हुंदा, ये तुहाडे वाहिगुरू नूं पता, तुहाडे अल्लाह नूं पता, रब नूं पता कि तुसी उहदे नेड़े हो है ना। ये बहुत वधिया गल लगी जिद्दां इन्हां दस्सिया कि मस्जिद भी उन्होंने घर च बनाई हुई सी उपर छत ते, ते बाकी यार बंदा मतलब एंड सब तो अमेजिंग गल कि वो आपदे जिहड़े जूनियर आर्टिस्ट सी उन्हां नूं आपदे नाल लैके चलदे सी भी आपदे शो तो पहला जिदा वह कह रहे ऑर्गनाइजर्स नूं कह दिंदे सी कि तुसी इन्हां नूं भी मौका देना स्टेज ते, लाइक जिवें आपदे शो तो पहला आपदे टाइमिंग तो पहला वह उन्हां दो तीन बंदियां नूं कहिंदे हुणे कि तुसी परफॉर्म करो है ना, ते उन्हां नूं पैसे भी दवाउंदे सी। इट्स अ ग्रेट थिंग गाइज, इट्स वेरी बिग थिंग। मैनूं लगता नहीं अज कल दे जमाने विच इदां दा कोई होएगा, होया तां बहुत घट होणगे कि जिहड़े बाकियां नूं भी नाल लैके चलदे आ, ठीक है। वड्डे लैवल ते जे किसी ने किसी नूं सपोर्ट कर भी दिता ना तो वह शो ऑफ विच ही रह जांदे आ, मीडिया ते न्यूज़ चैनलों ते है ना, सब किते वह दिखाउणगे कि इस बंदे नूं मैं लै के आया है ना। बट जिहड़े वाकई जिहड़ी इंसानियत पहलां सी ना उह अजकल नहीं रही। सो मैनूं तां गाइस वीडियो बहुत अच्छी लगी यार, अमेजिंग मैं इन्हां दी वीडियोज़ देखने वाला। तुहानूं किदां लगी अज दी वीडियो ते मेरा रिएक्शन नीचे कमेंट करके जरूर दस्सिओ। पंजाबी रील टीवी अपना इंस्टाग्राम का हैंडल है, फॉलो कर सकते हैं तुसीं उत्थे, ते इस चैनल नूं भी सबसक्राइब हुणे कर लो, बाद च तो निकल जाना तुहाडे दिमाग चों, करना कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ, जस्ट एक क्लिक करना रैड बटन दे जिते सबसक्राइब लिखिया। सो मैं हुण मिलूंगा तुहानूं किसी होर वीडियो दे विच, तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल, ते चक्की रखो इदां ही कम।